दोस्तों, दाऊद कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है और मैं हूं परवेज। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा तरीका जिससे आप किसी फाइल को, जैसे मान लीजिए एक आपकी डेटा फाइल है और उसकी पाइवोट टेबल रिपोर्ट आप किसी नई फाइल में लेना चाहते हैं। देखो, सबसे पहले मैं दिखा दूं, मैंने एक डेस्कटॉप पे ये फाइल सेव की है। डेस्कटॉप में मैंने ये फाइल सेव की है जिसका नाम है डेटा फाइल। इसको खोल के दिखा देता हूँ मैं आपको, ओपन कर लेते हैं इसको। तो इसमें मैंने कुछ सेल्स पर्सन के नाम लिए हैं और कुछ पार्टिकुलर प्रोग्राम जो इन्होंने सेल किए हैं और कितना कितना सेल किया है उसकी डिटेल यहाँ पे दे दी गई है। अब इस फाइल का नाम है डेटा फाइल। मैं इसकी रिपोर्ट एक नई फाइल में लेना चाहता हूँ, यानी इसको मैं एक पाइवोट टेबल के जरिए से नई फाइल में कैसे लूंगा। उसका तरीका बहुत शानदार तरीका है और आपको पसंद जरूर आएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें इसमें अगर कुछ पूछना चाहते हैं, और शेयर करें दोस्तों में। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल बटन जरूर दबाएं जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको मिल सकें। तो मैं शुरू करता हूँ, एक्सेल खोल लूंगा पहले मैं। ये मैंने एक्सेल खोल लिया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरी फाइल डेटा फाइल है, ये वाली जो डेटा फाइल है, ये यहाँ पर आ जाए, इसकी पाइवोट टेबल की रिपोर्ट यहाँ पे आ जाए। तो इसके लिए मैं कोई पाइवोट टेबल में नहीं आऊँगा सीधे, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटा में आना पड़ेगा। देखेंगे आप, गेट एक्सटर्नल डाटा, ये एक ऑप्शन होता है गेट एक्सटर्नल डाटा। इसका मतलब होता है हम वर्ड का डाटा भी यहाँ पे ला सकते हैं और नोटपैड से भी ला सकते हैं, इंटरनेट से भी ला सकते हैं और एक्सेल की अदर फाइल से भी हम यहाँ डाटा ला सकते हैं। तो आप देखेंगे इसमें है एग्जिस्टिंग कनेक्शन। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई कनेक्शन है किसी फाइल का, तो क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप कोई फाइल इसमें कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ जाता है, लेकिन नो कनेक्शन फाउंड, नो कनेक्शन फाउंड। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कोई फाइल लेनी है मुझे, तो ब्राउज फॉर मोर यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं। अभी मैं क्या करता हूँ, वो फाइल ले लेता हूँ जो मैंने डेस्कटॉप वगैरह पे सेव की है। ये मैंने फाइल डेस्कटॉप पे डेटा फाइल के नाम से सेव की थी। ओके करूँगा मैं इसको। तो उसमें जितनी भी शीटें थी यहाँ दिखा देगा कौन सी शीट आपको चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए। एक एक करके आप सब ले सकते हैं, कनेक्शन एक से ज़्यादा ही बना सकते हैं, कितने ही बना सकते हैं, उसकी कोई कंडीशन नहीं है। तो मेरा जो डाटा है वो शीट वन में है। पहले मैं देख लेता हूँ कौन सी शीट में है। मैं ये फाइल खोलता हूँ और ये शीट वन में डाटा है, शीट टू में कुछ नहीं है, थ्री में कुछ नहीं है। तो मैं शीट वन में जो डाटा है उसको लेना है मैंने। तो मैं पाइवोट टेबल डेटा लेना है मैंने, तो मैं डेटा में आ जाऊंगा, नई फाइल खोल के, एग्जिस्टिंग कनेक्शन और ब्राउज फॉर मोर। उसके बाद जहां मैंने सेव की है वो लोकेशन ले लूंगा, डेटा फाइल ओपन करूंगा मैं, शीट वन को ओके कर लूंगा। जैसे ही शीट वन को ओके करूंगा, ये बोलेगा कि मुझे पाइवोट ये टेबल में चाहिए, या पाइवोट टेबल रिपोर्ट चाहिए, या पाइवोट चार्ट और पाइवोट टेबल रिपोर्ट दोनों चाहिए। तो मैं चाह रहा हूं कि मैं पाइवोट टेबल रिपोर्ट ले लूं या चार्ट ले लूं, तो वो मैं उसी अकॉर्डिंग ले सकता हूं। मैंने ये ले लिया, पाइवोट टेबल रिपोर्ट एंड चार्ट। अब ये बोल रहा है कि एग्जिस्टिंग वर्कबुक या किसी नई वर्कबुक में, मैंने कहा एग्जिस्टिंग में यहाँ पे ले लेता हूँ मैं। ओके किया मैंने। तो आप देखेंगे ये पाइवोट टेबल रिपोर्ट भी बन के आ गई और ये चार्ट भी बन के आ गया। अब मैं इसको, ये तीन मेरे हेडर थे, जो हेडर वो यहाँ पे आ गए। सेल्स जो है मेरी वो वैल्यू में ले लूंगा क्योंकि वैल्यू को जोड़ेगा ये। पार्टिकुलर ये मैं यहाँ ले लेता हूँ, पार्टिकुलर क्या क्या सामान कितना बिका है। सेल्स पर्सन ये भी यहीं ले लूंगा, तो ये मुझे बता देगा कि अन्नू ने कितना कितना सेल किया है और कैसे कैसे सेल किया है। तो दोस्तों, देखा आपने, ये हमारी रिपोर्ट बन के आ गई है कि कितने यहाँ पे क्या क्या, पूरा इसकी पाइवोट टेबल रिपोर्ट आ गई है और ये इसका ग्राफ बन के आ गया है। अब ये जो इसका चार्ट बन के आया है, इसको मैं चाह रहा हूँ अलग शीट में ले लूँ, शीट टू में या किसी और शीट में। तो मूव चार्ट में क्लिक करूँगा यहाँ से। तो मुझे कहाँ चाहिए, नई शीट में चाहिए या कौन सी शीट में चाहिए, दूसरी शीट में चाहिए, तो मैं यहाँ इसको दूसरी शीट में ले आता हूँ। तो ये दूसरी शीट में आ जाएगा। अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है मुझे चार्ट में चाहिए, एक न्यू शीट चार्ट वन के नाम से आ जाए जिसमें खाली चार्ट ही चार्ट शो हो, तो ये चार्ट शो हो जाएगा।
तो ये था शीट वन और ये शीट का चार्ट वन। अभी क्या होता है इसमें, इसमें हम चाह रहे हैं, ये तो हमने पाइवोट टेबल रिपोर्ट प्लेस कर ली। अब मैं चाह रहा हूं एक पाइवोट टेबल रिपोर्ट मैं और प्रेस करूं और उसका क्या नाम, तो ये पाइवोट टेबल रिपोर्ट मैं एक और लेता हूं। इसके लिए मैं डेटा में आ जाऊंगा और डेटा में आने के बाद एग्जिस्टिंग कनेक्शन, ये जो मेरा कनेक्शन है चाहे तो इसको ओपन कर लें। इसकी पाइवोट टेबल रिपोर्ट मुझे कहाँ पे लेनी है, मुझे ये शीट वन में ही लेनी है यहाँ पर। तो मैं इसकी एक और रिपोर्ट ले ली मैंने। अब आप देखेंगे ये दो रिपोर्ट लेने से क्या फायदा है, डेटा एक ही है, दो रिपोर्ट ले ली मैंने, तो इसको मैं कर रहा हूं पार्टिकुलर और इसकी कर रहा हूं मैं सेल। अब इस वाले में आके मैं क्या करूंगा कि पार्टिकुलर को यहां से हटा दूंगा। अभी मैंने क्या करना है, अभी मैं एक स्लाइसर इंसर्ट करूंगा, इंसर्ट स्लाइसर, ये मैं ले रहा हूं किसी सेल्स पर्सन पे और पार्टिकुलर दोनों में ले रहा हूं। ये मैंने सेल्स पर्सन और पार्टिकुलर, अरे सॉरी सेल्स में आ गया है, इसको मैं डिलीट करके सेल्स पर्सन पे ले लेता हूं। तो ये सेल्स पर्सन है और ये मेरा पार्टिकुलर है। अब आप देखेंगे जैसे ही मैं इसमें क्लिक करूंगा स्लाइसर के टूल्स आ रहे हैं, स्लाइसर के आप टूल्स में आ जाएंगे तो इसमें पाइवोट टेबल कनेक्शन, अब मेरे पास इसका पाइवोट टेबल कनेक्शन जो है वो शीट पाइवोट टेबल नंबर 2 से है। मैं चाह रहा हूं उसका 1 से भी कर दूं, मैं ओके कर लूंगा। तो अब क्या है देखेंगे आप, अन्नू को सेलेक्ट किया मैंने तो यहाँ अन्नू का ही डिटेल दिखाएगा, अविनाश को सेलेक्ट किया और खालिद को सेलेक्ट किया तो जिसका नाम मैं लूंगा उसका ही नाम आ जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ अन्नू ने कोचिंग प्रोग्राम कितने सेल किए हैं, 15। अन्नू ने अविनाश ने कितने प्रोग्राम सेल किए हैं, तो ये हमारा एक तरीका था जिससे हम फाइल को दूसरी जगह ले आते हैं। अब मैं क्या करता हूँ इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। मैंने ये फाइल कर ली सेव पाइवोट टेबल रिपोर्ट के नाम से, मान लीजिए मैंने ये भी डेस्कटॉप में ही सेव कर ली। अब देखो ये फाइल तो मैंने सेव कर ली और ये वाली फाइल भी वहां पे ले ली, तो मैं इस फाइल को खोलता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ एंट्रियाँ बढ़ा देता हूँ, जैसे इसको 18 कर देता हूँ, उसको 16, इसको 17, 15, 14, 15, 16, 18, 15, 16, यानी मैंने 10-10 इसमें बढ़ा दिए हैं, कुछ इसमें मैंने बढ़ा दिए हैं। और इसका मैं एक बार टोटल भी देख लेता हूँ, सम ब्रैकेट यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना टोटल है, 268। अब मैं फाइल आता हूँ दूसरी जो मेरी फाइल थी पाइवोट टेबल रिपोर्ट, इस फाइल को खोलता हूँ मैं, एनेबल कंटेंट कर लेता हूँ। लेकिन आप देखेंगे इसमें क्या है, आपकी जो फाइल है उसका टोटल 138 यही दिखा रहा है जो उसका पहला टोटल था। अब मुझे क्या करना है, इसको अपडेट करना है, तो मैं क्या करता हूँ इसको अपडेट में आने करने के लिए क्या करेंगे, ऑप्शन में आ जाएंगे आप, और ऑप्शन में आने के बाद आप देखेंगे एक है रिफ्रेश, रिफ्रेश कर दूंगा मैं इसको तो आप देखेंगे ये रिफ्रेश हो गया, रिफ्रेश ऑल कर देंगे तब भी ये रिफ्रेश ऑल हो जाएगा। लेकिन रिफ्रेश करने का भी तरीका है, और कई बार कंडीशन हमें ऐसी होती है हमें पता नहीं कि वहां चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे इस फाइल का जो सेटअप करेंगे वो कनेक्शन प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे हम। अब यहाँ पे दे रखा है एनेबल बैकग्राउंड रिफ्रेश, इसको बैकग्राउंड में रिफ्रेश होगा और रिफ्रेश एवरी 60 मिनट, आप इसमें 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट दे सकते हैं, लेकिन हमारे लिए यहाँ जो ऑप्शन काम का होगा वो होगा रिफ्रेश डाटा व्हेन ओपनिंग द फाइल, यानी जब भी हम फाइल को खोलें
वो रिफ्रेश होके मिले हमें। तो हमने करने के बाद इसको सेव किया, बंद कर दिया फाइल को। अब इस वाली में हमने क्या करा, यहाँ पे 30, 20, 22 और 28 ये हमने चेंज कर दिए 308। तो हमारा आंसर 308 आना चाहिए। अब हम देखेंगे तो जैसे ही हमने फाइल खोली वो 308 ही शो किया उसने। तो ये तो था हमारा, जो हम एक एक्सेल फाइल से किसी दूसरी फाइल में पाइवोट टेबल रिपोर्ट बनाते हैं। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिसके जरिए से हम एक्सेल की फाइल को वर्ड में भी यूज कर सकते हैं, और वर्ड से अगर हम कोई फाइल बनाए तो उसको एक्सेल में ले सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बता दूं ये पाइवोट टेबल रिपोर्ट, अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूं जिससे हम टेबल वगैरह भी ले सकते हैं। जैसे मैं डेटा में आ गया, फिर से एग्जिस्टिंग कनेक्शन, ये डेटा फाइल ले ली मैंने। अगर इसके अलावा कोई और फाइल लेनी है तो ब्राउज फॉर मोर, और वो फाइल ब्राउज करेंगे आप। जैसे मैंने ये ब्राउज कर ली, फिलहाल ले ली मैंने। अब मैं इसको पाइवोट टेबल रिपोर्ट नहीं बना रहा, मैं इसका टेबल बना रहा हूँ। तो टेबल ले लूंगा मैं, तो जहां आपका कर्सर होगा वहां पे आपका टेबल आ जाएगा। अब टेबल में मैं क्या करता हूँ, इसको कन्वर्ट टू रेंज कर लेता हूँ, तो ये टेबल से बाहर आ जाएगा, और ये वाले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब आप देखेंगे जैसे इसमें डेटा में रिफ्रेश ऑल का कनेक्शन था, रिफ्रेश ऑल, इसी तरीके से अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसको टेबल में ले लें दोबारा से, मैं अंडू कर लेता हूँ इसको। टेबल में जैसे मान लीजिए ये है डेटा फाइल और ये है मेरी पाइवोट टेबल रिपोर्ट, इसको एक बार दोबारा से लेते हैं, इस शीट में ले लेते हैं, एग्जिस्टिंग कनेक्शन, डेटा फाइल, और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इसको टेबल में। अब मैं क्या करूँगा, रिफ्रेश में आके कनेक्शन प्रॉपर्टीज और रिफ्रेश डाटा व्हेन ओपनिंग द फाइल, ये आपको टेबल में मिलेगा, पाइवोट टेबल में भी मिलेगा। तो इससे क्या है, टेबल में अगर आप लेंगे तो वो डेटा को रिफ्रेश ऑटोमेटिकली करेगा। मैं इसको सेव करके बंद कर देता हूँ। इसमें अभी मैं कुछ और बढ़ा देता हूँ, जैसे इसकी जगह मैं 22 कर देता हूँ, तो टोटल 298, और इसको 28 कर देता हूँ, और इसको 26 कर देता हूँ, फिर इसको सेव कर देता हूँ फाइल। अब इस फाइल, इस तरह से काम करने से फायदा यह है कि जैसे आपने दो फाइलें हैं, चार हैं, पांच हैं, तो आप इसको नेटवर्किंग में भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप थिंक क्लाइंट वगैरह यूज करते हैं और आपके सर्वर पे ये फाइल बनी हुई है, मान लीजिए डी ड्राइव में आपने सेव की है, वहीं से यूजर वन और वहीं से यूजर टू खोल रहा है उसको, तो हमारा जो हमारा एडमिन है वो अपनी एक फाइल बना के और इन सब का डाटा वहाँ पे चेक कर सकता है कि कहाँ पे क्या क्या अपडेट हुआ, कहाँ कैसे हुआ, वो सारी रिपोर्ट्स उसको पता चलती रहेंगी कि एक जगह फाइल सेल हो रहा है तो सेल कितना हुआ, एक जगह परचेज कितना हुआ, वो सारी रिपोर्ट्स हमें मिलती रहेंगी उसमें। तो इससे आगे वाले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा और जैसे एक्सेल से वर्ड में ले आना और वर्ड से फिर एक्सेल में लेकर आना। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा आपको, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें अगर हमारा चैनल, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ ही साथ बेल बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपके पास, आपको नोटिफिकेशन उसका मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें।